अब इसमें जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज है यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक तमिलनाडु में है, इनकी भूमिका जो रही है वो थोड़ी सी अलग है। अपने एग्जिस्टेंस का जो है वो एक उनको खतरा लगता है कि भाई हमारी हम अलायंस करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन वो बात सही नहीं है। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ब्लैक में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उनकी है NAACP, आपने नाम सुना होगा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलर्ड पीपल, 1925 में सेटअप की होगा और अभी भी USA लेवल पे है। जापान में है बोराकू लिबरेशन लीग, 1925 में हुई, वो भी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी प्रॉब्लम है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नहीं हो पा रही और पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हो पा रही, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जहाँ जहाँ भी दलित है वहाँ वहाँ वो शुरू हुआ आपका जीवन अमरावती से, दिल्ली होते हुए जेएनयू होते हुए दुनिया भर में घूमे आप, फिर अभी नागपुर में आके सेटल हो गए, तो ये जो एक चक्कर लगा के आप फिर आए, इसको कैसे देखते हैं? जय भीम, नमस्कार, मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं नागपुर में हूँ और सुखदेव थोराट सर के साथ हूँ। सुखदेव थोराट सर के बारे में तमाम लोग आप परिचित हैं, UGC के चेयरमैन रहे हैं, JNU में प्रोफेसर रहे हैं और एक बड़ा नाम है दलित आंदोलन का, दलित साहित्य में बहुत काम है और दुनिया भर में जो एक ग्लोबल पर्सन हैं कुछ अपने अम्बेडकराइट समाज के, उसमें एक बड़ा नाम है सर। ना आप दिल्ली में रहें और मैं नकल नागपुर आया तो मुझे पता चला कि आप नागपुर शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं आपसे मिलने आ गया। दिल्ली से सर नागपुर आने का क्या मतलब रहा? ये दिल्ली में नागपुर आने का ये है कि दिल्ली में अब जो जब से सरकार बदली है वहाँ एकेडमिक एक्टिविज्म के लिए और मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग में है वो सारा ख़त्म हो चुका है। नई सरकार आई है वहाँ कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। फिर मैं 2014 में रिटायर हो गया हूँ तो उसमें भी कोई ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं था और एक्टिविज्म में मेरा सारा लाइफ गया है, एकेडमिक एक्टिविज्म में। तो हमने सोचा कि महाराष्ट्र शिफ्ट होते हैं नागपुर में। नागपुर में हमारे मिसेस के काफ़ी रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार है और नागपुर बड़ा शहर, बहुत ही एक्टिव शहर है। और मेरा अपना ज़िला है अमरावती है, मेरे गांव में मैंने अपना पुराना घर ये करके एक वाचनालय लाइब्रेरी सेटअप की है, वहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी जाना होता है। तो ये कौटुंबिक रीज़न और सोशल रीज़न की वजह से हमने सोचा कि नागपुर में सेटल हो जी। तो सर अभी आप कर्नाटक गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके चेयरमैन हैं आप, तो वहाँ पे किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, वहाँ क्या क्या किया आपने बदलाव या फिर एजुकेशन पॉलिसी में? उसमें कर्नाटका के मैं वहाँ एक इंस्टीट्यूट है बड़ी फेमस ही जी, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, वो वी के आरवीराम ने सेटअप की थी, वो कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी भी बनाती है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो वहाँ आना जाना मेरा लगा रहा था। तो ये जो सरकार आई अभी कांग्रेस की, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। और जो सत्ता में आए तो लोगों ने उनको पूछा कि भाई आपने तो ये नीति मानी नहीं, अब बताओ कैसे नीति बनाओगे। तो मुझे फिर वहाँ सरकार से एक विनती आई कि आप इस कमीशन को चेयर करें और एक अच्छी शैक्षणिक नीति आप दे। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, मुझे चेयरमैन बनाया, फिर कुछ कमीशन है, एडवाइजरी है। तो इनको इस कमीशन को जो 2020 की जो शैक्षणिक नीति है जो इस सरकार ने लागू की उसका इवैल्यूएशन करके उसमें से कितना ले सकते हैं और वो पूरा कर्नाटका का शैक्षणिक दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं उसमें वो रिकमेंडेशन जाएगी। एक पार्ट तो हमने सबमिट कर दिया उनको, और दूसरा पार्ट जो है भी आएगा। और यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी है नागपुर में? आप न्यूज़पेपर भी दिखा रहे थे जो आपने शुरू किया है, मुक्ति विमर्श। या जी नहीं, नागपुर में आने के बाद फिर मैं आने के पहले यहाँ मेरी एक्टिविटी चल रही थी और बहुत एक्टिव था मैं।
तो ये आने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो हमने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी एक एसोसिएशन बनाई जी। और उस एसोसिएशन के बिहाफ पे यहाँ हम काम करते हैं। उसमें उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी और जगह भी जो बाबा साहेब के विचार है उसको लेके पॉलिटिकल पार्टी या बन नहीं रही है, उसको लेके ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं रही है। सिंबॉलिक लेवल पे हर कोई बाबा साहेब को मानता है, इतना सिंबॉलिज्म है कि कोई हद नहीं उसकी, जी जी, उनके जन्म दिवस पे, कन्वर्जन डेज पे। लेकिन इस सब बाबा साहेब को मानने वाले होने के बावजूद भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड है, सारे सोशल ऑर्गेनाइज में डिवाइड है, तो ये क्यों है? तो इसलिए एक मेरा उद्देश्य था कि बाबा साहेब के विचारों को उनके सामने रखना है, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, राजकीय विचार, तो फिलोसॉफी, पॉलिसीज, और फिर उनको एक तरह से प्रोत्साहित करना है कि भाई आप इकट्ठा आ जाओ, पहले से तो छोटा सा समाज है उसमें भी आप बिखरे हुए हो। तो यहाँ वो मैंने काम शुरू किया कॉन्फ्रेंस के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, और फिर मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा होता नहीं, होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो बहुत अच्छा साधन है। बाबा साहेब ने भी न्यूज़पेपर निकाले, चार पांच पेपर निकाले, मुखनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। तो हमने फिर ये मुक्त विमर्श, मुक्ति विमर्श पेपर निकाला है, ये महीने में दो बार निकलता है, और इसमें ये सारे बाबा साहेब के विचार, प्रासंगिक जो प्रश्न हैं उसके ऊपर चर्चा लोगों में जाती है। तो ये एक वैचारिक अभिसरण करने का इसके पीछे का उद्दिष्ट है, ताकि लोगों को दिशा मिले और वो सही तरीके से कुछ काम करें। सर, आपने कहा कि आप एकेडमिक एक्टिविस्ट हैं और हम जानते भी हैं, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, मुझे याद है जो हम लोग के पिताजी पढ़ते थे तो उस दौर का मैं देखता हूँ कि दसवीं पास लोग भी होते थे तो उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती थी। आज के लोग ग्रेजुएशन हैं, गांव से पढ़े लिखे हैं, उनके पास नॉलेज उस तरीके से नहीं आ रहा है। एजुकेशन को लेके आप देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें आ रही हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो मार्जिनलाइज तबके को झेलना पड़ रहा है ज़्यादा। तो एजुकेशन पॉलिसी, भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है जो नीचे के लेवल की है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और उसमें क्या आप संतुष्ट हैं उससे? अगर बदलाव होना है तो किस तरीके का बदलाव हो जिससे जो वंचित तबका है उस तक उसका लाभ पहुंच सके? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, 1920 से लेके तो 1950 तक बाबा साहेब ने जो जिस पॉलिसीज़ के लिए काम किया उसमें से शिक्षा जो थी ये बहुत अहम थी। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ दी, उनका ये कहना था कि शिक्षा सरकार के पास होनी चाहिए, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटीज़ की हो, यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट रीजन में सेटअप करनी चाहिए, और दलित स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए। तो उन्होंने जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 1943 में की, जो आज चल रही है, ओवरसीज स्कॉलरशिप की उस वक्त, वो भी आज चल रही है। तो सरकार जो है वो एजुकेशन इस तबके को दे दे, सबको दे दे, इस तबके को दे दे, कंपलसरी भी हो और फ्री भी हो, हायर एजुकेशन का भी हो। लेकिन पिछले कई सालों से, 30-40 साल आप कहिए, कांग्रेस के पीरियड में भी और अभी तो बहुत ज़्यादा, शिक्षा का जो है वो खाजगीकरण, पिछले 4 दशकों में ये गिरना शुरू हो गया, नहीं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट होगी, तो आज लगभग आधी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, 50% यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटीज, ये सारा 60-65% कॉलेजेस प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंसिंग, और जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है जो डिग्री डिप्लोमा वगैरह देती है वो भी 67-70% प्राइवेट है। और जैसा ही प्राइवेट होता है और फीस ज़्यादा होने की वजह से गरीब उसमें जा नहीं पाता। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से दलित और गरीबों को उच्च शिक्षा का जो एक्सेस है वो घट गया है, और चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी उनका एक्सेस कम हो गया, इसलिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव नहीं हुई। तो ये मेरा ख्याल है एजुकेशन दलितों के मामले में, वंचित इसके मामले में क्राइसिस में है,
और अभी तो सरकार ने स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन शुरू किया बड़े लार्ज स्केल पे, महाराष्ट्र में तो मेरा ख्याल है उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वो इसमें किया है, सेल्फ फाइनेंसिंग में किया है। 2012 में उन्होंने एक्ट लाया था वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल का। तो ये शिक्षा जो है वो गंभीर रूप से अफेक्ट कर रही है। दूसरा इसका इनडायरेक्ट जो अफेक्ट है वो ये है कि जब आप प्राइवेटाइज करते हो तो रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन नहीं है, तो उसके वजह से भी उनकी एंट्री जो है वो कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये इसके ऊपर ध्यान नहीं है, दलित पॉलिटिक्स का ध्यान नहीं है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान नहीं है। दलित पॉलिटिक्स की बात कही आपने, अभी राजनीति की मतलब इलेक्शन ख़त्म हुए हैं अभी, इस पूरी जो पूरा कैंपेन चला है इलेक्शन का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और जो मुद्दे होने चाहिए, जैसे हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, जो वंचित तबके से जुड़े हुए मुद्दे, जिसकी बात जैसे आपने कहा कि बाबा साहब को मारने वाले इतने ज़्यादा हो गए हैं और सिम्बॉलिक महत्व इतना हो गया है, तो उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया तमाम पार्टियों द्वारा? देखिए जब ये पिछले 10 साल में जब डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज है उनको ये पता चला जी कि जो सरकार है वो सरकार की जो नीतियाँ है और जो आइडियोलॉजी है वो जब उसका एहसास उनको हुआ कि ये राष्ट्र को हिंदुज़म के बेसिस पे बनाना चाहते हैं और ओपनली कुछ लोग उसकी बातें करते हैं, तो उसके लिए फिर घटना में चेंज करना होगा, सेकुलरिज्म वगैरह सारा निकाल के उसमें आपको लाना पड़ेगा हिंदुज़म के या ब्राह्मणिज्म के प्रिंसिपल जिसके बेसिस के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो देश को बनाएंगे। उसी तरह डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है आइडियोलॉजी पे होती है जी, वो यदि अच्छा काम किए तो चुन के आएंगे, अच्छा नहीं काम किए तो चुन के नहीं आएंगे। यहाँ एक अटेम्प्ट किया जा रहा है इसके साथ, हिंदू राष्ट्र बनने के साथ साथ कि लोकशाही को भी धार्मिक और जातीय आधार दे दें, तो ये सारा समझ में आ गया अपोजिशन पार्टीज को, इसलिए वो कंपेल हो गए कि वो इकट्ठा आए और इकट्ठा करके एक यूनाइटेड फ्रंट करके इसके खिलाफ लड़े। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था, देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी स्थापन की 1943 में, तो ये संकल्प उन्होंने उस वक्त दी कि आप फेडरेशन बनाइए सब पार्टियों का, वो वहाँ से उन्होंने ब्रिटेन से लिया। जो लेबर पार्टी थी उस वक्त वो फेडरेशन थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो ऑर्गेनाइजेशन पे समझते थे। तो ये जो अभी बना है इंडिया अलायंस, ये एक तरीके से फेडरेशन है अपोजिशन पार्टीज का, उसका एक मिनिमम प्रोग्राम है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सेव करना, लोकशाही को सेव करना, राष्ट्र की संकल्पना जो सेकुलरिज्म की वो सेव करना, वो एक मिनिमम प्रोग्राम है। बाकी उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं रखे, आप देखते होंगे इकोनॉमिक नीतियाँ क्या होगी, सामाजिक नीतियाँ क्या होगी, इसके ऊपर नहीं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, लोकशाही को बचाना, सेकुलर राष्ट्र को बचाना। अब इसमें जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज है एमपी में, सॉरी यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक तमिलनाडु में है, इनकी भूमिका जो रही है वो थोड़ी सी अलग तरीके से रही है। मैं वही पूछ रहा था, वंचित बहुजन अघाड़ी है महाराष्ट्र में, बीएसपी हो गई यूपी में, तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं, इनकी जो पूरा ओवरऑल भूमिका रही इस पूरे चुनाव में, उसको किस इनको इनको ऐसा है कि इनको अपने एग्जिस्टेंस का जो है वो एक उनको खतरा लगता है कि भाई हमारी हम अलायंस करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन वो बात सही नहीं है। देखो ये जो सारी पार्टियाँ आ गई है, ये फेडरेशन है लेकिन अपने आप वो इंडिपेंडेंट भी है, इंटरनल डिसीजन वो अपने आप लेते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं पिछले 3 इलेक्शन में भी बात इस ये एक भूमिका मैंने ली थी, या मैंने ये जो एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसके अलावा एक फेडरेशन भी बनाई है जिसमें 60 ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लाया है, और उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि भाई ये जो अपोजिशन पार्टी जो उनको लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और लोकशाही बचाने के लिए। तो उसमें मैंने ये भूमिका ली थी कि भाई जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि यदि घटना में बदल होता है या लोकशाही रिलीजन बेस होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हानि दलित को होगी।
कुछ हद तक माइनॉरिटी को भी होगी, पर सबसे ज्यादा दलितों को होगी, क्योंकि ये संघर्ष जो है वो ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का है। तो घटना में इतनी सारी प्रोविजन है जो दलितों के लिए है, अनटचेबिलिटी इज बैन, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, वहाँ सारी प्रोविजन है उसमें, तो उसके ऊपर तो पहला हल्ला होगा। आरएसएस के जो गोल वर्कर है वो तो कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे हो, जाति आधार पे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका खतरा जो दलितों को है। और लोकशाही में भी फिर वो यदि धार्मिक लोकशाही बन जाती है, हिंदू 70% तो हर बार पॉलिटिकल पार्टी उनकी रहेंगी, तो उसका खतरा जो है वो दलितों को ज़्यादा होगा। तो दलितों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही होना चाहिए कि घटना को कैसे बचाए, अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाए, लोकशाही को कैसे बचाए, और ये इंडिया अलायंस का एक यूनाइटेड फ्रंट जो उसका हिस्सा बने, वो हमने देखा नहीं महाराष्ट्र में भी और यूपी में भी और कुछ तक आंध्र प्रदेश में भी। तो उसका जो बहुत लोगों ने लिखा है, उसका परिणाम यह है कि आप वो डिवाइड होने की वजह से इसका अल्टीमेट एडवांटेज बीजेपी को हो रहा है। मेरा ख्याल है, मैं आगे भी कहूंगा कि यूनाइटेड फ्रंट का पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा। मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो गए, अब आएंगे स्टेट के, तो ये तो एक दौर है, चलता रहेगा ना। बहुत काम किया आपने, एकेडमिक काम, बहुत किताबें आई आपकी, नया कोई प्रोजेक्ट है आपका जिसपे आप काम कर रहे हैं? नहीं, अब मेरी लगभग 30 किताबें तो हुई है पब्लिश, लेकिन उसमें से 30 में से जो आखिरी दो है वो अभी आ रही है। Okay. रावत पब्लिकेशन जयपुर से कर रहा है। Okay. तो वो एक जो इंग्लिश में है, और वो जो किताब है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है, क्योंकि लोग बहुत मुझे मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो। ओके। अब वो लिखना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये किताब निकाली है जो मेरी लाइफ भर की राइटिंग जो है उसको मैंने 17 आर्टिकल में समेट लिया, 17 आर्टिकल में जो पूरी राइटिंग है जिसका मैंने फोकस किया हुआ है उसको 17 इसमें लिखा है, और ये 40 पेजेस का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। गांव से लेके सारा एज एन एकेडमिक अकाउंट दिया है, वो मेरा ख्याल है वो अच्छा हुआ है। तो वो किताब आएगी, उससे मैं जरा काफ़ी उत्सुक हूँ कि वो आए मार्केट में। अब वो 12 जुलाई 1975 को हमारे 75 ईयर भी पूरे हो रहे हैं दोनों के, मेरी वाइफ के और मेरे, तो उस ओकेजन पे वो किताब पब्लिश करनी है, और मेरा ख्याल है ये कुछ स्मरणिका या किताब भी आ रही है, अलग से लोगों ने आर्टिकल लिख के वो किताब निकाल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, 75 ईयर्स जी, बहुत बहुत बधाई सर। तो एक लंबी जर्नी रही है आपकी, भारत के बाहर, है ना, अभी इतना काम करने के बाद लगता है कि कुछ बचा हुआ है जिसपे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, कि अब ठीक है, हो गया, अब आराम करना है? नहीं, काम तो अभी काफ़ी है इसमें। मैंने, आपने अच्छा सवाल पूछा, मैंने जो शुरुआत की है वो कि स्पेशली डिप्रेस क्लासेस के लिए उनके प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम कैसे हम रिजॉल्व करें, उसकी पॉलिसी जिसके ऊपर फोकस रहा है, तो शुरुआत मैंने की थी। यहाँ को समझ में नहीं आया तो बाहर रहा 2 साल तक, पे समझ में आया, ब्लैक लोगों का अभ्यास करके वहाँ से लिटरेचर लाया और ऐसा काम शुरू किया 1990s के बीच में। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू था वो 2003 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ बनाई, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ के माध्यम से फिर जो अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस के जो प्रॉब्लम है उसका एनालिसिस किया, उसके कारण देखे और पॉलिसीज़ दी, और पॉलिसीज़ को लागू करने में मदद की। और बहुत सारी कुछ पॉलिसीज़ है जो IRDs के वजह से हुई है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर द दलित बिजनेसेस, ये प्राइवेट सेक्टर की जो थोड़ी बहुत अफॉर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है उस पर हमने बहुत सारा किया, तो ये IRDs की वजह से हुआ है। दूसरा जो है, एक जर्नल शुरू किया मैंने IRDs के बेसिस के ऊपर, वो इंटरनेशनल जर्नल बन गया है, सेज पब्लिश करता है, जर्नल ऑफ इंक्लूसिव स्टडीज़, तो उसके वो 7-8 साल से हुआ है, वो उसके प्रचार हो रहा है। और तीसरा जो किया मैंने, एसोसिएशन बनाई अपने एकेडमिशियन की, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस, और उसमें सारे जो लड़के हैं, जो नई जनरेशन आप कह रहे हैं ना, बहुत अच्छा और तगड़ी नई जनरेशन आ रही है दलितों में, OBCs में और माइनॉरिटीज़ में, और भी हाई कास्ट में भी आ रही, जो इस इशू पे ग्रुप इनइक्वालिटीज़ डिस्क्रिमिनेशन पे लिख रही है, तो उनको स्पेस देनी थी, तो मैंने एसोसिएशन बनाई। उसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो
बेंगलोर में हुई। ओके। और लेकिन जो इशू है इनइक्वालिटी, इंटरकास्ट इनइक्वालिटी, उसके कॉजेज और सॉल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन कैसा मार्केट में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है, इस इश्यू को मैंने लगभग काफ़ी डायरेक्शन दी है। लेकिन एक जनरेशन क्रिएट हुई है जो इस इशू को आगे ले जा रही है। जो IIDS ने काम किया वो उसका असर बच्चों ने PhD करने के लिए सेंटर में रिसर्च करने के लिए हुआ है। और जब मैं UGC का चेयरमैन था 32 सेंटर बनाए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी, वो भी इस डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी ये काम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा योगदान रहा है डिप्रेस क्लास के इश्यू को समझना और उसकी पॉलिसीज को बताना, पॉलिसीज बनाने में मदद करना। तो ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है मुझे कि मैंने ये इंस्टीट्यूशन भी बनाई और इश्यू को भी आगे लिया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये इस रिसर्च की वजह से न्यू जनरेशन को गाइडेंस मिला कि डिस्क्रिमिनेशन पे, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन पे काम कैसे करना, कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करना। तो उसके वजह से एक जनरेशन अब क्रिएट हुई है। तो उससे ये नहीं है कि देर इज नो एंड, देर इज अ बिगिनिंग नाउ। महाराष्ट्र से शुरू हुआ आपका जीवन, अमरावती से दिल्ली होते हुए, JNU होते हुए दुनिया भर में घूमे आप, फिर अभी नागपुर में आके सेटल हो गए हैं। तो ये जो एक चक्कर लगा के आप फिर आए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए जर्नी तो बड़ी ही बहुत लंबी है, आप कठिन रही है, बहुत ही कठिन। गांव में मैं पैदा हुआ, अनटचेबल की बस्ती अलग थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था वो होता। आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे या फिर पहला ही था? चार भाई बहन थे हम, और उसमें मैं ही पढ़ पाया, बाकी तो नहीं। बाकी अपने एक जबलपुर गया, वहाँ वेल्डर बन गया, एक बड़ा भाई जो था वो कारपेंटर था, लेकिन मैं ही सिर्फ पढ़ पाया। और किसी तरह मैट्रिकुलेशन की, लेकिन ये फॉर्चुनेट था कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज में गया औरंगाबाद में, तो वहाँ पूरा बेस बना। तो वहाँ से फिर मैंने MA भी किया, नौकरी भी की, लेकिन दिल नहीं लग रहा था, सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट नहीं था। तो 3 साल के बाद छुट्टी लेके फिर JNU में गया मैं। तो JNU में PhD भी की, MPhil भी की, लेकिन जो रिसर्च करना चाह रहा था, इंटरकास्ट इनइक्वालिटी, अनटचेबल की प्रॉब्लम, उसके कारण, उसके पॉलिसीज, वो नहीं मिल रहा था क्योंकि वो प्रथा नहीं थी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली 2 साल की अमेरिका में। तो अमेरिका में गया तो वहाँ सारा मैंने ब्लैक का स्टडी किया और देखा कि ब्लैक में और दलित में बहुत सिमिलैरिटीज, और वहाँ से फिर मैं थीरीज ले आया, मेथडोलॉजी ले आया, उस बेसिस पे मैंने काम शुरू किया। और उसके आगे की कहानी फिर आपको मालूम है कि इंस्टीट्यूट बनाई, जर्नल निकाला, एसोसिएशन बनाई। तो ये जर्नी बहुत ही कठिन जर्नी थी, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी पॉजिटिव जर्नी थी। मैंने अपने डिस्क्रिमिनेशन को ऑब्स्टेकल बनने नहीं दिया, रास्ता निकलते रहा। अब ये जो महाराष्ट्र में आना है, इसलिए कि यहाँ मैं, एक इच्छा भी थी कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल मूवमेंट को, सोशल मूवमेंट को थोड़ा सा यदि डायरेक्शन दे, मदद करे तो अच्छा रहेगा। तो सोशल रीज़न भी, फैमिली रीज़न भी थे, लेकिन ये भी उद्देश्य था कि बहुत लोग एक्टिव है, लेकिन कुछ हद तक डायरेक्शन लेस भी है, डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है। तो कैसे इनको विचारों उस बारे में आप काम कर रहे हैं? विचारों आपसे जब बात करो तो सवाल से सवाल निकलते जाते हैं। एक आखिरी सवाल कह के ही पूछूंगा, दलित और ब्लैक को लेके आपने किया, जहाँ ब्लैक पहुँच पाए, अपनी एक आइडेंटिटी बना पाए, चाहे हिस्ट्री, चाहे कल्चरल मूवमेंट उनका जिस तरीके से खड़ा हुआ और तमाम मूवमेंट खड़े हुए, एक पहचान बनाई, वाशिंगटन में तो ब्लैक का एक म्यूजियम है पूरा, दलितों को आप कब देखते हैं कि उस स्थिति में पहुँच पाएंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस बना पाएंगे, अपनी जैसे ब्लैक मूवमेंट चला उस तरीके से दलित मूवमेंट भी इस्टेब्लिश हो पाएगा और पूरे गौरव से अपने पहचान के साथ रहेगा, संभव है? ये संभव तो है, लेकिन ऐसा है कि डिटोरेशन भी हुआ है ना। देखो, बाबा साहेब ने 3 पार्टियां बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक स्टेज पे नंबर 3 की पार्टी थी ऑल इंडिया में, कांग्रेस के बाद। मुस्लिम लीग थी और थी, अब वो सारी विभक्त हो गई है। तो पॉलिटिकल जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, जो यूनाइटेड संगठन होना चाहिए, वो नहीं है।
पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ब्लैक में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उनकी है NAACP, आपने नाम सुना होगा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलर्ड पीपल, 1925 में सेटअप की उन्होंने, और अभी भी ऑल USA लेवल पे है। जापान में है बोराकू लिबरेशन लीग, 1925 में हुई, वो भी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी प्रॉब्लम है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नहीं हो पा रही है, और पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हो पा रही है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जहाँ जहाँ भी दलित है वहाँ वहाँ वो यूनाइटेड है, ऑफिसेस में है, एम्प्लॉयज है, स्टूडेंट है, वहाँ कनेक्शन है, कॉन्शियस है, और वहाँ वो झगड़ते रहते हैं। और दलित को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने की वजह से जिस जिस पार्टी में वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये नहीं है कि होप नहीं है, बस उनको लार्ज स्केल पे एक साथ आने की जरूरत, ये बहुत जरूरी, जिस दिन ये हो जाएगा फोर्स बन जाएगा बहुत, क्योंकि वो बने हैं, बाबा साहेब ने रिपब्लिकन पार्टी को थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनाया था, न्यूज़पेपर थे, बहुत हितकारी सभा थी, तो ये जो था वो पीच पे जो अम्बेडकर साहब वो RPI को ले गए थे वो पूरा डिटोरेट हो गया, उसको वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप माइनॉरिटीज में हैं, तो इसलिए माइनॉरिटीज एक पॉलिटिकल पार्टी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो पॉलिटिकल पार्टी हो तो फिर पॉलिटिकल अलायंस के साथ आप बार्गेन कर सकते हो, वरना मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप स्वस्थ रहें, है ना, और 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, है ना। तो सुखदेव थोराट सर थे, और एक पूरी जो जर्नी रही है, इनकी जर्नी को समेटने के लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए सर से बात करने के लिए, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो सर की जर्नी पूरी लेके आएंगे आपके साथ। फिलहाल जो वर्तमान जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, जो पॉलिटिकल चुनौतियां हैं या फिर एजुकेशन के मामले में चुनौतियां, उसके बारे में सर ने बात की, और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते रहिए दलित दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सहयोग भी करिए। जय भीम।